नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 6 जेमा पाठ चौथो जेनु रिविजन करीशुं। तो बधा ज विद्यार्थी मित्रों पोतानी एसएम खोले अने एसएम में पेज नंबर 12 पर चौथो पाठ आपेलो छे तेनु आपणे रिविजन करीशुं। तो सौ प्रथम जोईए तो पहलो प्रश्न आपने आपेलो छे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहलो विकल्प आपने आपेलो छे कि उमियानगर सोसायटी किस शहर में है, तो तेनो जवाब छे मुंद्रा शहर में। बीजू आपेलू छे कि मन का मेल कौन दूर करता है, तो कौन आवशे पुस्तके। त्रीजो विकल्प छे कि पत्र लेखन क्या है, तो शू आवशे एक कला है। चौथू के किस किताब ज्ञान क्या है, तो एक स्त्रोत आवशे। पांचमू जोईए तो के पत्र कहाँ से लिखा गया है, तो के मुंद्रा से। छठू पत्र किसने लिखा है, तो के पूजन ने। सातमू जोईए तो के पत्र किसके बारे में लिखा गया है, तो तेनो जवाब छे किताबों का महत्व के बारे में। आठमो विकल्प के हमें जन्म दिवस के अवसर पर किसकी भेंट देनी चाहिए, तो तेनो जवाब छे किताब की। हवे बीजो प्रश्न के कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह छे कि तुम भी खाली जगह अभियान से सम्मिलित हुए होगे, तो तेनो जवाब छे के वाचे गुजरात, जेना जवाब तमने नीचे आपी दीधेला छे। बीजी खाली जगह जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र वे मेरे भी मित्र। त्रीजी खाली जगह के पुस्तक मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है, तो साबुन का कार्य। चौथू किताबो ज्ञान का खाली जगह है, तो शू आवशे स्त्रोत आवशे। एना पछी पांचमी खाली जगह के किताबों से हमारी खाली जगह पूर्ण होती है, तो शू आवशे जिज्ञासा। छठी खाली जगह के हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है, तो शू आवशे जीवन। एना पछीनु पेज आपणे जोईए तो आपणने आपेलू छे पेज नंबर 13 ऊपर सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहलू आपने आपेलू छे कि किताब हमें भले बुरे का खाली जगह, तो भले बुरे का अंतर बताती है, एनो जवाब आवशे क। बीजो वाक्यांश आपेलू छे किताबे मन का अंधकार मिटा कर, तो तेनो जवाब आवशे के शू आवशे के ज्ञान का संचार करता है। त्रीजो प्रश्न के हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में शू देना चाहिए, पुस्तक के दिने चाहिए, जो पहलो जवाब छे अ। हवे एना पछीनो प्रश्न छे के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो के पहलो प्रश्न के पूजन कई दिनों से क्या सोच कर रहा था, तो तेनो जवाब छे कि पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कह रहा था। बीजो प्रश्न छे कि वांचे गुजरात के संबंध में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया है, तो तेनो जवाब छे कि वांचे गुजरात के संबंध में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। त्रीजू पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, तो तेनो जवाब छे कि पुस्तकें हमारी मन के लिए साबुन का कार्य करती है, यह कहा था। चौथो प्रश्न के पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो तेनो जवाब छे कि पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। एना पछीनो प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहलू छे पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा, तो तेनो जवाब छे पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां शुरू हो गई थी और पूजन ने भी इस प्रवृत्तियां में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा।
બીજો પ્રશ્ન છે કે કિતાબો કા મહત્વ ક્યા હૈ, તો તેનો જવાબ છે કે પુસ્તકે હમે જ્ઞાન દેતી હૈ, વે હમે અચ્છે બુરે કી પહેચાન કરાતી હૈ, ઓર કિતાબો મે હમારી ઉત્સુકતા કી પૂર્તિ હોતી હૈ. જ્ઞાન વિજ્ઞાન કો ગતિમાન રખને કા કામ પુસ્તકે કરતી હૈ. પુસ્તકો સે સચ્ચી મિત્રતા કા લાભ અવશ્ય મિલતા હૈ. હમ ઇસ તરહ જીવન મે પુસ્તકો કા મહત્વ હૈ. બરાબર. હવે એના પછીનું જોઈએ તો આપણને આપેલું છે કે પત્ર લેખન કે લીએ આમ ઓર તાર પોસ્ટકાર્ડ, અંતરદર્શનીય પત્ર યા લિફાફા ઇસ્તેમાલ કિયા જાતા હૈ, ડાકઘર જાકર ઇનકે મૂલ્ય કા પતા કીજીએ, યહી ભી પતા કીજીએ કે ઇનમે ક્યા અંતર હોતા હૈ. જો નીચે તમને એની માહિતી આપી દીધેલી છે કે પોસ્ટકાર્ડ શું કામ આવે છે, તો કે પોસ્ટકાર્ડ ખુલ્લા હોતા હૈ, ઇસમેં લિખને કે લીએ અધિક જગહ નહીં હોતી, ઇસકા મૂલ્ય 50 પૈસે કા હૈ. બીજું આપ્યું છે કે અંતરદર્શીય પત્ર, તો ઇસે લિખને કે બાદ 3 ઓર સે મોડગર બંધ કિયા જા સકતા હૈ, કે ઇસકા ઉપયોગ કેવલ દેશમેં હી હો સકતા હૈ. ઇસકા મૂલ્ય 2.5 રૂપિયા કીધું છે, 2.50 પૈસાના એની કિંમત છે. અને લિફાફા અલગ કાગજ પર પત્ર લિખ કર ઓર ઉસકે મોડ કર લિફાફે મેં રખ્યા જતા હૈ. લિફાફર એટલે કે કવરમાં રાખવામાં આવે છે, અને ઇસમે પત્ર સુરક્ષિત રહેતા હૈ. લિફાફે પત્ર કે અવાલા પ્રાયઃ બનકર બહને અપને દૂર રહેને વાલે ભાઈઓ કો રાખી ભેજની હૈ, ઇસકા મૂલ્ય 5 રૂપિયા કા હોતા હૈ. હવે છેલ્લે આપણે જોઈ લઈએ તો આપણને આપેલું છે કે ગુજરાતી શબ્દની સામે આપણને હિન્દી શબ્દ આપેલા છે. બરાબર. પહેલું આપણને આપેલું છે કે કાચિયો, તે તેને હિન્દીમાં શું કહેવાય છે, કુજડા અથવા તો સબ્જીવાલા. બીજું આપેલું છે કંદોઈ, તો તેને હલવાઈ કહેવામાં આવે છે. ઘડિયારી, તેને ઘડીસાજ કહેવામાં આવે છે. ગાંધી એટલે કે પંસારી કહેવામાં આવે છે. અને કાપડિયો, તેને બજાજ કહેવામાં આવે છે. હવે તંબોડી એટલે કે પાનવાડો, તેને આપણે તંબોલી કહીએ છીએ. અને વેપારી એટલે કે સોદાગર, બુક બાઇડિંગ વાળો, એને જિલ્દસાજ કહીએ છીએ. અને ખાટલો ભરનારને આપણે ખટબુના કહીએ છીએ. અને સંઘાડીઓ, તેને આપણે ખરાદી કહીએ છીએ. અહીંયા ચોથા પાઠનું રિવિઝન આપણે પૂરું કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.